हाँ जी, स्वागत है जी थोड़ा पंजाब पंजाबी चैनल पर। तो असं कर रहे हैं पंजाब हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिखा दे छेवें गुरु कौन सन? सैकेंड ऑप्शन गुरु हरगोबिंद जी। गुरु हरगोबिंद जी का जन्म कदों होया सी? थर्ड ऑप्शन 1595 ईस्वी। गुरु हरगोबिंद जी के पिता जी कौन सन? फोर्थ ऑप्शन गुरु अर्जन देव जी। गुरु हरगोबिंद जी की माता जी का नाम की नाम सी? गंगा देवी जी। बीबी वीरो कौन सी? गुरु हरगोबिंद जी की सपुत्री। गुरु हरगोबिंद जी गुरु गद्दी ते कदों विराजमान हुए? 1606 ईस्वी विच। मीरी अते पीरी दी प्रथा किस गुरु साहिबान ने शुरू कीती सी? गुरु हरगोबिंद जी ने। अकाल तख्त दा निर्माण किस गुरु साहिब ने करवाया सी? गुरु हरगोबिंद जी ने। अकाल तख्त का निर्माण कदों पूरा होया सी? 1609 ईस्वी विच। बंदी छोड़ बाबा किस नूं कहा जाता है? गुरु हरगोबिंद जी नूं। बंदी छोड़ बाबा किस नूं कहा जाता है? गुरु हरगोबिंद जी नूं। गुरु हरगोबिंद जी अते मुगलां विचाले लड़ी गई पहली लड़ाई कीड़ी सी? अमृतसर दी। गुरु हरगोबिंद जी दी अते मुगलां विचाले लड़ी गई अमृतसर दी लड़ाई कदों हुई सी? 1634 ईस्वी विच। गुरु तेग बहादुर जी ने हेठ लिखी किस लड़ाई विच बहादुरी दे जोहर विखाए सन? करतारपुर। गुरु हरगोबिंद जी ने किस नगर की स्थापना की सी? कीरतपुर साहिब की। गुरु हरगोबिंद जी ने अपना उत्तराधिकारी किसन नियुक्त किया सी? हरिराय जी ने। गुरु हरगोबिंद जी कदों ज्योति जोत समाए सन? 1645 ईस्वी विच। हाँ जी, तो अगे है गुरु हरराय जी अते गुरु हरकृष्ण जी। सिखा दे सतवें गुरु कौन सन? गुरु हरराय जी। गुरु हरराय जी का जन्म कदों होया सी? 1630 ईस्वी विच। गुरु हरराय जी के पिता जी का की नाम सी? गुरदित्ता जी। गुरु हरराय जी गुरु गद्दी ते कदों विराजमान होए? 1645 ईस्वी विच। दारा शिकोह कौन सी? शाहजहां दा वड्डा पुत्तर। गुरु हरराय जी ने अपना उत्तराधिकारी किसनों नियुक्त किया सी? हरिकृष्ण जी नूं। गुरु हरराय जी कदों ज्योति जो समाए? 1661 ईस्वी विच। सिखां दे अठवें गुरु कौन सन? हरिकृष्ण जी। गुरु तेग बहादुर जी नूं कदों शहीद किया गया सी? गुरु हरकृष्ण जी का जन्म कदों होया? 1656 ईस्वी विच। गुरु हरकृष्ण जी के पिता जी कौन सन? गुरु हरराय जी। सिख इतिहास विच बाल गुरु के नाम नाल किसनू जानिया जाता है? गुरु हरकृष्ण जी नूं। गुरु हरकृष्ण जी गुरु गद्दी ते कदों विराजमान होए? 1661 ईस्वी विच। गुरु हरकृष्ण जी कदों ज्योति जोत समाए सन? 1664 ईस्वी विच। गुरु हरकृष्ण जी कित्थे ज्योति जोत समाए? दिल्ली विच। दोस्तों अगे है गुरु तेग बहादुर जी ते उन्हां दी शहीदी। सिखां दे नौवें गुरु कौन सन? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कदों होया? 1621 ईस्वी विच। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम की सी? त्यागमल। गुरु तेग बहादुर जी के पिता जी का की नाम सी?
गुरु हरगोबिंद जी। गुरु तेग बहादुर जी की माता जी का की नाम से? नानकी जी। गुरु तेग बहादुर जी का विआह किस नाल होया सी? गुजरी जी नाल। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र का की नाम सी? गोबिंद राय। उस व्यक्ति का नाम दसो जिस ते यतना सदका यह सिद्ध हो सके कि गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे असली गुरु सन। मक्खन शाह लुबाना। गुरु तेग बहादुर जी की गुरुगद्दी ते कदों विराजमान होए? गुरु तेग बहादुर जी कदों गुरुगद्दी ते विराजमान होए? 1664 ईस्वी विच। गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रावां दौरान सब तो पहला कित्थे पहुँचे? अमृतसर विच। 1665 ईस्वी विच गुरु तेग बहादुर जी ने किस नवे नगर की स्थापना की सी? चक नानकी। चक नानकी का अजोका नाम की है? श्री आनंदपुर साहिब। श्री आनंदपुर साहिब की स्थापना किस गुरु साहिब ने की सी? गुरु तेग बहादुर जी ने। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का तत्कालीन कारण की सी? कश्मीरी पंडितों की पुकार। किस मुगल बादशाह ने आदेश से गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद किया गया? औरंगजेब दे। गुरु तेग बहादुर जी ने कितने शहीद किया गया सी? दिल्ली विखे। गुरु तेग बहादुर जी ने कदों शहीद किया गया सी? 1675 ईस्वी विच। गुरु तेग बहादुर जी ने जिस स्थान पर शहीद किया गया सी उत्थे केड़ा गुरुद्वारा स्थित है? शीशगंज। हिंद की चादर नाँ के शब्द किस गुरु लई वरते जाते हैं? तो वरते जाते हैं गुरु तेग बहादुर जी दे लई। अगे है गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथी सिरजना उन्होंने लड़ाइया शख्सियत। सिखां दे दसवें गुरु कौन सन? गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कदों होया सी? 1666 ईस्वी विच। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कित्थे होया सी? पटना साहिब। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी का की नाम सी? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी का की नाम सी? गुजरी जी। गुरु गोबिंद सिंह जी के दादा जी का की नाम सी? गुरु हरगोबिंद जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का मुंडला नाम की सी? गोबिंददास। गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादे किन्ने सन? 4। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गद्दी ते कदों विराजमान होए सन? 1675 ईस्वी विच। गुरु गोबिंद सिंह जी दिया साहित्यक सरगर्मियां दा मुख्य केंद्र केड़ा है? पौंटा साहिब। गुरु गोबिंद सिंह जी राही बनाए गए नगारे दा नाम की सी? रंजीत नगारा। भीमचंद कौन सी? कहलोर दा शासक। पंगानी दी लड़ाई कदों लड़ी गई सी? 1688 ईस्वी विच। गुरु गोबिंद सिंह जी किस दे सहयोग सदका पंगानी दी लड़ाई जितने ले सफर रहे? पीर बुद्धू शाह दी। पीर बुद्धू शाह दे सदका। नंदौन दी लड़ाई कदों हुई सी? 1690 ईस्वी विच। किस गुरु साहिबान ने मसंद प्रथा का अंत किया? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु साहिबान ने की सी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कदों की सी?
1699 ईस्वी विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना कित्थे कीती सी? श्री आनंदपुर साहिब विच। गुरु गोबिंद सिंह जी ने द्वारा साझा गया पहला प्यारा कौन सी? भाई दया राम जी। खालसा की सिरजना समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने हर एक खालसा नूं किन्ने ककार धारण करना जरूरी दस्या? तो सन 5 ककार। श्री आनंदपुर साहिब की पहली लड़ाई कदों हुई सी? 1701 ईस्वी विच। श्री गुरु आनंद साहिब की श्री आनंदपुर साहिब की दूजी लड़ाई कदों हुई सी? 1704 ईस्वी विच। किस लड़ाई के दौरान 40 सिख गुरु जी को बेदावा दे गए सन? श्री आनंदपुर साहिब की दूजी लड़ाई विच। चमकौर साहिब की लड़ाई कदों हुई सी? 1704 ईस्वी विच। गुरु गोबिंद सिंह जी के दो वड्डे साहिबजादे किस लड़ाई विच शहीद होए सन? चमकौर साहिब की लड़ाई विच। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नूं कीड़ी चिट्ठी लिखी सी? जफरनामा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा किस भाषा विच लिखिया सी? फारसी विच। खिदराना दी लड़ाई कदों लड़ी गई सी? 1705 ईस्वी विच। 40 मुक्ते कीड़ी लड़ाई नाल संबंधित हैं? खिदराना दी लड़ाई नाल। श्री मुक्तसर साहिब किस नगर दा नाम पिया? श्री मुक्तसर साहिब किस नगर दा नाम पिया? खिदराना दा। बचित्तर नाटक दी रचना किसने कीती सी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी कदों ज्योति जोत समाए सन? 1708 ईस्वी विच। गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे ज्योति जोत समाए सन? नदेड़ विच। तो हाँ जी, ऐसी आज दी वीडियो चंगी लगी तो इस लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।